पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये दंपति बड़ा ही जालसाज है। बरेली पुलिस ने भारत में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेशी महिला के पास भारत और बांग्लादेश के पासपोर्ट मिले हैं। बांग्लादेशी महिला ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत का पासपोर्ट बनवाया था। पुलिस के मुताबिक बांग्लादेशी महिला बिंती विवाह मंडल पिछले दिनों बांग्लादेश जा रही थी। इस दौरान बॉर्डर पर महिला के पास चेकिंग के दौरान दो पासपोर्ट मिलने के बाद उन्हें वापस कर दिया गया और खुफिया एजेंसियों को सूचना दे दी गई। उसके बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई और बरेली पुलिस को जानकारी दी। जांच के दौरान पता चला बांग्लादेशी महिला बिंती विवाह मंडल ने भारत में रहकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए आधार कार्ड बनवाया और फिर भारत का पासपोर्ट भी बनवा लिया। फिलहाल पुलिस ने महिला और उसके पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसके अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी, पूर्व में हमारे पास सूचना लिखित में आई थी। इसमें एक महिला बिंती विवाह मंडल है, ये शादी करके एक जो भारतीय नागरिक है उसके साथ काफ़ी समय से रह रही थी और ये महिला जो है इसके पास शुरू में जब आई थी तो बांग्लादेश का पासपोर्ट था और यहाँ पर आकर इसने यहाँ पे जब शादी कर ली उसके बाद इसने जो अपनी इस पहचान को छुपाकर यहाँ पे जो आधार कार्ड और अन्य चीज़ें अपने साथ दस्तावेज बनाए और उसके आधार पे भारतीय पासपोर्ट प्राप्त किया और उसके बाद दो दो पासपोर्ट चल रहे थे और इसी आधार पे इसको एजेंसीज़ के द्वारा इसको पता लगाया गया और उसकी सूचना दी गई। उसके आधार पर इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत, साथ ही साथ 467, 468, 471 IPC की अन्य धाराएं भी इसमें शामिल की गई हैं और इसके पति और पत्नी दोनों को गिरफ्तार किया गया है। सर क्या 5 साल से यहाँ पे ये लोग रह रहे थे, कुछ जानकारी मिल सकती है? हाँ, ये 2015 में जो ये पति है इसका, इससे इसने शादी कर ली थी, यहाँ पर ये रह रही थी और उसके बाद इसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपनी पहचान छुपाकर भारतीय पासपोर्ट बनवा लिया था और कुछ दस्तावेज भी इसने इसमें उसमें उपयोग किए थे। इसे नागरिकता प्राप्त 5 साल में नागरिकता प्राप्त हो जाती है क्या? इसका आवेदन किया था इसने? नहीं, इसकी पूरी अभी विवेचना की जाएगी, जांच की जाएगी और इसमें प्रथम दृष्टया ये पाया जा रहा है कि अपनी जो पहचान दूसरे देश की थी वो छुपाकर इसने जो पासपोर्ट यहाँ पे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया उसके लिए इसको प्रथम दृष्टया दोषी पाया जा रहा है, उसी आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया।